भोजपुरी में कुछ सालों पहले एक स्पेशल चैनल शुरू किया गया सिर्फ भोजपुरी भाषा को ध्यान में रखकर, जिस पर आप कई सारे भोजपुरी सीरियल्स रियलिटी शोज देखते होंगे। उनमें से सबसे चर्चित शो था महुआ टीवी पर टेलीकास्ट किया गया सुरों के संग्राम। इसमें से कुछ सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री को मिले। इसी बात को ध्यान में रखकर अगले सीजन में शुरू किया गया डांस संग्राम, जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छे अच्छे डांसर्स दिए। कलाकारों की भीड़ में से किसी एक चेहरे को चुनने के लिए जजों का होना हर रियलिटी शो में बड़ा जरूरी होता है, और उस जज के रूप में शो से जुड़े लोगों को जज के रूप में स्थापित किया जाता है। सुर संग्राम में भोजपुरी के नामी सिंगर्स मालिनी अवस्थी और कल्पना को जज बनाया गया था, जबकि डांस संग्राम में श्वेता, संभावना और बॉलीवुड की डांस मास्टर कही जाने वाली सरोज खान को जज के रूप में लिया गया था, जिसमें से किसी एक जज के बाद जाने पर गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर किन्नर लक्ष्मी नारायण भी आ चुकी हैं। बॉलीवुड में कभी खुद 10 कदम जैसे रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर जीत चुकी लक्ष्मी का आज बहुत बड़ा नाम है। ये पहली बार हुआ था जब एक किन्नर ने एक शो में इतने सारे पैसे जीते थे और नाम किया था। साथ ही लक्ष्मी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी किन्नरों में शुमार की जाती है। वैसे तो लक्ष्मी को भोजपुरी बोलने नहीं आती थी, लेकिन लक्ष्मी ने भोजपुरी चैनल में आकर ऐसी भोजपुरी बोली कि उन्हें सुनकर हर कोई यही कह रहा था जैसे उनका बिहार से बहुत पुराना नाता हो। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।